मैं क्या करूं? क्या हुआ पुत्र, तू ऐसे रो क्यों रही है? वो चली गई मुझे छोड़ के। वो कौन? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। पति? अरे पुत्र पति। ओह हरप्रीत। क्या हुआ? उन्होंने चिट्ठी लिखी है, देखिए। उन्होंने लिखा है, आज के बाद मेरे और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो मुझे छोड़ के किसी दूसरी औरत के पास चले गए। अब मैं क्या करूंगी? और उन्होंने ये भी लिखा है कि अभी उनका वापस लौटना नामुमकिन है। कह रहे हैं कि मेरी बगैरी जिंदगी जी लो, ऐसे कैसे जीऊं मैं? वो मेरे पति है, मेरे पति। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, कोई भी मर्द अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास कैसे जा सकता है? ऐसे में उस दूसरी औरत का ही कसूर होता है। ऐसी औरतें कभी किसी से प्यार व्यार नहीं कर सकती, और वो भूल भी जाती है कि किसी और का घर उजाड़कर वो अपना घर नहीं बसा सकती। अरे बहुत बदमाश होता है ऐसी औरतें। हाँ बिल्कुल दी, और पता है ऐसी औरतें कभी कभी पैसों के लिए ये सब करती है। Can you believe it? जी? बहुत सारा कीड़ा काटेंगे, देख लेना रूशी की आ लगेगी उसे। एक दिन वो गिर जाएगी, उसकी टांग टूट जाएगी। देख लेना दिल से बात निकली है, सच जरूर होगी। अरे अरे आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं, क्या मालूम क्या हुआ है। ऐसे बिना किसी को जाने को जज नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ उसे। हाँ। कमीनी टाइप की चीज है वो। जानती है ये? हाँ। दीदी दीदी कहते कहते आरुषि के हस्बैंड को ही हड़प गई। हाँ। हाँ, बड़ी कमीनी है। मुझे कहीं मिल गई ना तो ऐसा जूते से मारूंगी ना उसको, याद रखेगी वो। देखो तो बेचारी प्रेग्नेंट औरत को अकेला कर गई वो। मिनी माँ ठीक कह रही, इसमें उस दूसरी औरत का ही दोष है। ऐसी औरतों को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कितना बड़ा पाप कर रही है। उस औरत ने जो भी किया, पर मैंने तो अपना पति खो दिया ना। अब मैं जी के क्या करूंगी? आरुषि मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहती हूँ। आरुषि ये क्या कह रही हो? आरुषि बात सुनो, आरुषि लिसन टू मी। मैं जीना नहीं चाहती। आरुषि बात तो सुनो, लेकिन मुझे मर जाना है, मैं नहीं जीना चाहती। मैं जी के क्या करूंगी? मैं ये खा के मर जाऊंगी। जलन क्यों हो रही है तुम्हें? जल नहीं रहा हूं, लेकिन इस तरह की हरकतें मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मां को अभी जाके बोल दूंगा आपको घर से बाहर निकालने के लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूं, समझ गए? अपनी ये धमकियां आप किसी और के लिए रखिएगा। अच्छा तो रुको, तुम्हें कुछ दिखाते हैं। वैसे मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो। ये देखो, अगर मैंने ये तस्वीरें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को दिखा दिया
सोचो क्या होगा। अरे तुम्हारी इन्हीं हरकतों की मेरे पास वीडियोस भी है, और कोई भी अदालत उन्हें देखकर रेप तो मानेगी, और रेप की सजा तो तुम जानते ही हो ना। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? गुड बॉय। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, इस एड्रेस पे इस पार्सल को डिलीवर करना। ओके बस। लेकिन क्या है इसमें और आपका बिजनेस क्या है? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? तुम्हारा काम है डिलीवर करना, जिसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, समझे? क्या बस सोचू, बस मैं जो कहती हूं ना वो करते जाओ, फिर तुम देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। जो तुमने सपने में भी नहीं देखा था सब हासिल कर पाओगे तुम, सच। ए, रुको, अरे इसे मिटा तो दूं। तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो ये क्या हो गया तुम्हें? तुम उस इंसान के लिए अपनी और अपने बच्चे की कुर्बानी देना चाहती हो जिस इंसान को तुम्हारी परवाह तक नहीं है? तुम जैसी औरतें ऐसे इंसानों को पति से देवता बना देती हो। कभी भी ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। वो चला गया तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे लिए, मर गए हम। अब सिर्फ आराम करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, समझी? जानती हूँ, पर मेरे बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है आरुषि, इस जमाने में सबकी जरूरत नहीं पड़ती। पता है जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, फिर भी मैं अपने बच्चे को बाप का नाम देना चाहती हूँ। कल वो मुझसे पूछेगा तो उसे क्या जवाब दूंगी मैं? इसलिए मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाने दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम मैं दूंगा। क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं हुआ, वो फिसल गया था। और ये बॉक्स बेकार है, फेंकने जा रहा था। कस्तूरी बेटा जरा इधर तो आना।
ये आपने चॉकलेट मिल्क शेक बनाया? हाँ, क्यों? वो क्या है ना, आरुषि भाभी का भी मन है चॉकलेट मिल्क शेक पीने का। आप मुझे बताएंगी आपने ये कैसे बनाया? तो अब चॉकलेट मिल्क शेक पीना है महारानी को। मैं इसी पैसे दे दूं। तुम जाओ मेरे कमरे की सफाई करो। जी ठीक है। किस्मत भी क्या जबरदस्त साथ देती है। तुमने नींद की जिन गोलियों के साथ आत्महत्या करने का नाटक किया था आरुषि, उन्हीं नींद की गोलियों का इस्तेमाल अब मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि तुमने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की। विभा, विभा। जी विहान जी। विवाह, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। अरे चलो तो सही, बताता हूँ, आओ ना। क्या कर रही हो, चलो ना जल्दी। विवाह चलो। हाँ। ये देखो, देखो ना विभा मैडम। अरे पुष्पा, ये कौन से क्लास ले आई? वही शेक वाला जो आपने बनाया था। एक मैंने आयुषी भाभी को दे दिया, दूसरा आपको। देखो ना क्या कर रही हो विवाह, ये देखो। गोलियों की शीशी यहाँ क्या कर रही है? पुष्पा, किचन में कौन आया था? वो विभा मैडम यहाँ चॉकलेट मिल्कशेक बना रही थी। मैंने कहा आरुषि भाभी का भी पीने का मन है, तो उन्होंने कहा मैं बना देती हूँ। हाय रब्बा, इसका मतलब विभा ने आरुषि के ग्लास में नींद की गोलियां मिला दी, कहीं आरुषि वो मिल्कशेक पी ना ले। चाची माँ, तूने मिल्कशेक क्यों पिया? चाची माँ, क्या हुआ?
चल पुत्र डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है पुत्र? हाँ चाची माँ। चक्कर नहीं आ रहे? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं पुत्र टाइम वेस्ट नहीं कर, चल पुत्र। चाची माँ चाची माँ क्या हुआ? आंखों के सामने अंधेरा तो नहीं छा रहा? नहीं तू सचमुच ठीक है? बात क्या है, क्या हुआ? खराब थी मैं पुत्र, वो हे भगवान, इसका मतलब नींद की गोलियां इस क्लास में हैं। विभा, विभा ग्लास नीचे कहाँ रख रही है? मिल्कशेक पी ले, सुना बड़ा अच्छा बना है, ऋषि ने अभी अभी बताया। मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? सवेरे से कुछ खाया नहीं, कुछ पी तो ले बहू। नहीं नहीं। अरे पी लो विभा, सास इतनी सेवा कर रही है, कहाँ मिलती है ऐसी सासे? बहुत लकी हो तुम। और ये चॉकलेट मिल्कशेक तो तुम्हें पसंद है ना? चाची माँ अगर नहीं पीती है तो जबरदस्ती पिलाइएगा। नहीं मुझे नहीं पीना। नहीं कैसे पीना है, थोड़ा सा पी लो ना। चाची माँ बड़ी है, इतने प्यार से पिला रही है, उनका मान तो रखो। पी ले बहू, बहू मान रख ले मेरा, है सास हूँ तेरी। मैं क्या कर रही थी? तुझे प्यार से मिल्कशेक पिला रही थी, तूने सवेरे से कुछ खाया नहीं है ना बहू? लेकिन मैं ये मिल्कशेक नहीं पी सकती क्योंकि इसमें क्या बता ना। क्योंकि इसमें क्या है, क्यों नहीं पीना चाह रही थी तू मिल्कशेक? चाची माँ इतने प्यार से पिला रही थी, ओवरिया क्यों कर रही हो तुम? बस मुझे नहीं पीना था इसीलिए। विभा, चाची मैं I'm सॉरी, पता नहीं इसे क्या हो गया, मैं देखता हूं। चाची मां क्या हुआ, आप ऐसे क्यों, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या मुझे किचन में ये बोतल मिली थी, विभा ने अरुषि के ग्लास में नींद की गोलियां डाल दी। गलती से वो ग्लास उसी के पास पहुंच गया। क्या नींद की गोलियां? इससे तो आरुषि की जान भी जा सकती थी।